मैं शुरू नो सर दैट 34 मिनट एंड 15 मेंबर्स ऑफ दैट दसना चाहना कि हिंदुस्तान दी पार्लियामेंट तुहाडी आवाज उठान लई अकाली दल नू केवल 2 मिनट दे रही है और 2 मिनट सानू इसलिए मिल रही है मिल रहे ने क्योंकि असी मंत्री मंडल तो इस्तीफा दे देता तुहाडे हक्कां दी रक्षा करन लई सर आई वांट टू रिमाइंड दिस नेशन ऑफ द 60s when India was going around with a begging bowl, it was a matter of shame for every Indian. And today, if India is self-sufficient in food, if we are exporting food, it is thanks to the farmer of Punjab who feels threatened today by these bills that you are showing or you are about to pass in this parliament. He feels that his interests are being sold to the corporates and the big business houses. Sir, at the same time, it's ironical that in the last 6 years, what the NDA government has done for the farmer, the Congress never did in the last 10 years. The MSP in the last 6 years went up in percentage terms much higher than what happened in the previous 10 years. Yet, the fact is, today they are also giving direct transfer of benefits of 6,000 rupees to every farmer. Yet, why is it that the farmer feels aggrieved? Why is it that the farmer feels that his voice is not being heard? Because there is a trust deficit or a communication gap. And that is why we are telling this party again and again, please send it to a select committee so that all stakeholders can be heard. Sir, main aap ek baat kehna chahunga, Punjabi ki ek kavita hai, ye duniya manne zora nu, लख लानत है कमजोरां नू अजीब दंदा विच रहंदी है पर हिलदे दंदा नू कहंदी है पर हट नहीं है लोड़ तेरी ए जगह नहीं कमजोरां दी आप पंजाब के फार्मर को कमजोर मत समझिए हर पंजाबी गुरुओं की औलाद है गुरुओं की संतान है हमने गुरुओं से सीखा है गुरु अर्जन देव जी महाराज से सीखा है गुरु तेग बहादुर से सीखा है कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है हमने गुरु गोविंद सिंह से सीखा है कि जुल्म का सामना करो हमने मुगलों का सामना किया हमने ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया और हमने कांग्रेस के भी जो जुल्म थे वो भी सहे और अगर पंजाब में जुल्म होंगे क्योंकि आज फार्मर की यह परसेप्शन है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो अकाली दल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे मंत्री जी मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा पंजाब में जो ये चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है इसे आग में मत बदलने दीजिए इसे रोकिए प्लीज कहीं ये ना हो कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लमो ने खता की थी सदियों ने सजा पाई थैंक यू वेरी मच